हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। ये एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। यहाँ मैंने सूजी का हलवा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में लिया है वालनट, किशमिश, 4 इलायची, शुगर पाउडर, काजू, घी और सूजी। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। मैंने यहाँ एक पैन गरम किया है। पैन गरम होते ही हम घी डाल देंगे। घी को हम गरम होने देंगे। यहाँ घी गरम हो चुका है, अब हम डालेंगे सूजी। सूजी को अच्छे से मिला दे। फ्लेम आप लो मीडियम करके रखें। सूजी को हम 2 मिनट तक ऐसे फ्राई करेंगे। फिर हम डालेंगे ये ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने डाला है काजू, किशमिश और वालनट। अब ड्राई फ्रूट्स को मिला दे। फिर हम 3 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। इसे हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और सूजी को आप अच्छे से फ्राई करें जब तक सूजी का दाने अलग ना हो जाए। यहाँ मैंने इलायची भी डाला है। अभी हम इसे अच्छे से मिला देंगे और फिर से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे चीनी। चीनी यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच डाला है। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे गरम पानी। फिर हम अच्छे से मिला देंगे। मैंने यहाँ सूजी को लगभग 7 मिनट के लिए ड्राई फ्राई किया है और पानी डालने के बाद जब तक पानी सूख ना जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पानी सूख गया है। पानी सूखने में आपको लगभग 4 मिनट जैसा लगेगा। और देखें, ये हम लोग का सूजी परफेक्ट रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ मैं एक बाउल में इसे सर्व कर लूँगी। देखिए, यहाँ मैंने सर्व कर दिया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा आज का रेसिपी पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।